अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जुबीस किचन में और एक रेसिपी देखने के लिए आपका स्वागत है। ठंड के टाइम पीठा पुली खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करूंगी दूध पुली यानी खीर पुली की रेसिपी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए स्टफिंग पहले रेडी करूंगी। तो ग्रेटेड कोकोनट हमने ले लिया, साथ ही इसमें 1/2 कप चीनी ऐड करेंगे, इसके साथ 1 कप गुड़ भी ऐड करेंगे यानी जागरी। मीठा आप अपने पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ इलायची भी डालेंगे। इलायची को मुंह इसका खोल दिया, इससे इसका फ्लेवर अच्छा से आता है और तेज़पत्ता भी इसमें जाएगा। उस देर इसको आँच में लो हीट में पकाएंगे। नारियल में थोड़ा सा पानी होता है तो पानी सूखने तक हम जस्ट इसको पका लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अब हम दूसरा पैन में 1 कप पानी डालेंगे, 1 टीस्पून नमक भी इसमें डालेंगे। पानी बॉयल होने के बाद हम 1 कप इसमें राइस फ्लावर डालेंगे और 1/4 कप मैदा इसमें जाएगा। मैदा इसलिए डाला जाता है क्योंकि डो इससे बहुत ही सॉफ्ट बनता है, अगर नहीं डालेंगे तो डो बहुत ही कड़ा बन जाएगा। ये छोटी छोटी बात अगर फॉलो करेंगे तो ये पीठा बहुत ही अच्छा से आप बना पाएंगे। हम इसको निकाल के सॉफ्ट डो में रेडी करेंगे। इधर दूसरा पैन में हम 1.5 लीटर दूध ले लेंगे, इसके साथ इलायची पाउडर ऐड करेंगे। दूध को अच्छे से बॉयल होने देंगे और लो हीट में इसको कुछ देर पकाएंगे। दो हल्का गरम रहते ही हम इसको बना लेंगे स्मूथ। दो का बड़ा सा पोर्शन लेके हम इसको बेलेंगे। अब हम कोई भी कटोरी या ग्लास से हम इसको पेड़े बना लेंगे। ये छोटा साइज़ का हमको बनाना है, इसलिए हम मेज़रिंग कप का यूज़ किया है। यहाँ डो का आप थिकनेस देख सकते हैं, ज़्यादा मोटा भी नहीं है। हमको ये जो पीठा छोटा छोटा बनाना है, इसलिए हम छोटा ही और पतला इसको पेड़े बना लेंगे। पेड़े को हम हाथ की मदद से थोड़ा सा पतला कर लेंगे और इसको बेल भी सकते हैं। अब हम नारियल का जो स्टफिंग बना के रखे थे पेड़े के अंदर डालेंगे। किस तरह से इसको शेप दे रही हूँ इसको ध्यान से देखना होगा। इस तरह से मोमो भी बनता है, कोई सा भी मोमो का भी आप शेप दे सकते हैं। किनारे को हम थोड़ा सा डिज़ाइन बना लेंगे ताकि ये फूले भी नहीं है और देखने में भी अच्छा लगेगा। इस तरह से हम सारे पीठा तैयार कर लेंगे। यहाँ हमने बेल लिया है पेड़े को थोड़ा सा। सेम प्रोसेस हम रिपीट करके सारे पीठा हम बना लेंगे। सारा पीठा बन चुका है,
अब हम जो दूध बॉयल करने रख दिए थे उसमें इस पीठा को डाल देंगे। एक एक करके सारे डालेंगे। ध्यान से इसको डालना होगा ताकि एक दूसरे से चिपके नहीं। पैन भी गर्म है तो चिपक सकता है। थोड़ा सा हिला लेंगे फिर इसमें ऐड करेंगे और पीठा। इसको ढक देंगे और लो हीट में इसको पकाएंगे। बीच बीच में हम इसको चलाएंगे। 15 से 20 मिनट इसको लो हीट में पकाएंगे दूध के साथ इस पीठा को। इस दूध में हम कोई स्वीट अभी तक ऐड नहीं किए क्योंकि हम गुड़ ऐड करेंगे इसके साथ। दूध के साथ अगर गुड़ को बॉयल करेंगे तो दूध फट जाएगा, इसलिए दूध थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम इस गुड़ को ऐड करेंगे। इसके लिए गुड़ बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो गुड़ के साथ दूध ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे इसको, थोड़ा सा पतला बना लेंगे। कभी कभी गुड़ में थोड़ा थोड़ा गंदगी रहता है इसलिए हम छान के डाल रहे हैं। यहाँ दूध थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। इस तरह से छान के हम गुड़ को दूध के साथ मिक्स कर देंगे। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। स्टेप बाय स्टेप इस पीठा की रेसिपी फॉलो करके आप बनाइएगा तो ज़रूर बना पाइएगा। घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत कोई को शिकायत रहता है ये ठंडा होने के बाद हार्ड बन जाता है, तो इस तरह से आप फॉलो करके बनाइएगा तो ये हार्ड नहीं बनेगा। ये पीठा बहुत ही सॉफ्ट बना है। टेस्ट में ये तो डिलीशियस है ही। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।